इसके जुमले ऐसे ये भी तो कहता मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना लिया घर में। कोशिश है मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, विनय चौहान को। हमारे यहाँ के रोड देखो, वार्ड 117 के सारे खुदे हुए हैं, निकलने की जगह नहीं है। किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी, आप बीजेपी को वोट डालोगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ अमृतपाल। नेशन लाइव के द्वारा दिल्ली लाइव रन किया जा रहा है, जिसमें एमसीडी की तमाम बड़ी खबरें और जो जमीनी स्तर पर माहौल है उसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम दाबरी के वार्ड नंबर 117 में खड़े हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। बीजेपी से विनय चौहान और आम आदमी पार्टी से श्रीमती तिलोत्तमा चौधरी को टिकट मिली है। अब जानते हैं क्या राय है आम लोगों की। आपको क्या लगता है कि एमसीडी में कि अभी इस बार कौन सरकार बना रहा है और वार्ड नंबर 117 से कौन जीत रहा है? विनय चौहान जी। अभी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, तो वार्ड नंबर 117 में क्या उसका असर दिखने को मिलेगा? लहर से क्या होता है सर, हमारे यहाँ के रोड देखो, वार्ड 117 के सारे खुदे हुए हैं, निकलने की जगह नहीं है, तो लहर से कुछ नहीं होता, काम देखता है इंसान। तो आप ये कह रहे हैं विनय चौहान जी ने यहाँ पे काम किया, अभी उनकी वाइफ यहाँ से पार्षद है, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया? अच्छा काम किया सर। तो जैसे अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कूड़े के, जैसे कूड़ों को उन्होंने बताया कि हमारे ना कूड़ों के ढेर हैं, कि जैसे दिल्ली में कूड़ों के पहाड़ बन रहे हैं, हम उसको हटाएंगे। तो आपको लगता है कि आपके एरिया में कूड़े या फिर पानी ऐसी कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं सर, आप देखो वार्ड हमारा बिल्कुल साफ सुथरा एकदम वार्ड है। तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे सरकार बना रहा है? विनय चौहान जी बना रहे। विनय चौहान जी क्यों, ऐसा क्यों लगता है विनय चौहान जी? काम दिखता है, झाड़ू पोछा सफाई सुथरा सब कूड़ा क्लियर रहता है। ये आप अभी जो पार्षद हैं वो विनय चौहान जी की वाइफ हैं, तो 5 साल में विनय चौहान जी का क्या रिपोर्ट है, क्या काम किया विनय चौहान जी? वही जो एमसीडी में जो झाड़ू वाड़ू पोछा वो क्या बोलते हैं सफाई सुथरा गाड़ी आने वो बिल्कुल क्लियर है इनका। मतलब आम आदमी पार्टी कहती है 15 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, आपको लगता है कि यहाँ पे भाजपा ने कि यहाँ पे आपके विकास का सुधार किया है, वार्ड का सुधार किया है? किसकी सरकार? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट डालोगे? बिल्कुल। क्यों बीजेपी को क्यों वोट डालोगे आप? पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 15 साल से बीजेपी आई हुई है एमसीडी में और 15 साल से बीजेपी कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाई, तो हमें 5 साल में इतना काम कर दिया, तो आप केजरीवाल को मौका दीजिए। केजरीवाल को क्यों मौका दे, पहाड़ तो पहले बहुत बड़ा था, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले देखा जाए तो पहले देखने में नहीं आता था, अब इतना कम हुआ है, धीरे धीरे सफाई हो रही है, हो जाएगी पूरी। आम दुर्गा पार्क में भी एक कल्लड़ था, अब उसको इंद्रप्रस्थ पार्क के नाम से जानते हैं, तो इतना अच्छा काम हुआ तभी तो पार्क हो गया, अब लोग उसमें जाते हैं, बुजुर्ग लोग बच्चे लोग खेलते हैं वहाँ पे। मतलब एमसीडी में वापस बीजेपी? बिल्कुल। तो जो ये आएगी, अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि एमसीडी में इस बार हमारी बहुत तगड़ी जीत आएगी बीजेपी के। कुछ नहीं आएगा, जो इनके टीम के थे उनको तो टिकट दिया नहीं उन्होंने, पता नहीं नए लोगों को टिकट दे दिया है, उनको तो कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे जीत जाएंगे? जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको वोट देंगे ना, सिंपल सी बात है। चलिए, तो सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा प्रदीप कुमार गुप्ता। एक मिनट, कैमरा सही करना। क्या नाम है सर आपका? नाम प्रदीप कुमार गुप्ता। तो सर आपको क्या लगता है कि आप अभी वार्ड नंबर 117 के निवासी हैं? नहीं, निवासी तो हम हरिनगर के हैं, लेकिन यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के। एमसीडी के अभी जो चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया है कि जो 15 साल से कूड़े के पहाड़ हैं वो भाजपा ने खत्म। उनका कोई दीन ईमान थोड़ी है कोई उनका, और कूड़ा कहाँ का बंदा अपने घर में रखेगा क्या, मुझे एक बताओ अपने घर में रखेगा क्या? आप अपना कूड़ा घर में रखोगे क्या? भारी फेंकोगे ना, बाहर का कूड़ा कहीं तो जाएगा ना, उसमें क्या बात है? इसके लिए कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल खिलेगा पूरे बहुमत के साथ। इस बार वापस एमसीडी में भाजपा जनता पार्टी आएगी। 15 साल से जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, 15 से अब 20 होने वाला, 20 साल होएगा। कहते हैं कि आम आदमी के जो 200 यूनिट फ्री करी है हमने, बिजली फ्री करी है, पानी में सब्सिडी दी है, पानी, तो इस पे आपको आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं करनी चाहिए? अरे फ्री के चक्कर में लंका जैसा हाल हो जाएगा, फ्री में आदमी कमाएगा ही नहीं, जब आदमी सारी चीज़ फ्री कर देगा तो आदमी कमाएगा क्यों? मतलब गलत है, फ्री वाला सारा सीन गलत है, सारा सीन गलत है, कुछ नहीं होना। कहते इतने स्कूल खोलवा, कोई स्कूल खोला नया, कोई हॉस्पिटल खोला नया, बस बताइए मुझे क्या खोला, कुछ नहीं खोला।
कहते कि जो कूड़े के पहाड़ जब अपन दिल्ली आते हैं तो जब बाहर के लोग दिल्ली आते हैं गाजीपुर में उसकी बड़ी सबसे उन्होंने मुख्य मुद्दा ये बनाया हुआ है कूड़े के पहाड़ कुछ नहीं होना इसके जुमले ऐसे ये भी तो कहता मैं गाड़ी नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना लिया घर में जैसे गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली का मॉडल दिखाते हैं वो केजरीवाल जी जब जाते हैं ना गुजरात में तो कहते हैं हम दिल्ली जैसा आपका स्टेट बना देंगे तो आदमी कोई गुजरात में नहीं जाता जो गुजरात वालों को पता लगे पंजाब में भी तो बोला था कि 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएँ हैं उनको 1000 रुपये आएंगे आज तक एक पैसा नहीं आया क्या करोगे वो तो ऐसे ही बोलते हैं आप कह रहे ये सब जुमले हैं और आप दिल्ली के आम निवासी हम आपको भी मतलब ये जुमले का सामना करना पड़ा है हम तो कर रहे हैं हम तो अभी भी हाँ हालांकि फ्री बिजली ले रहे हैं हाँ लेकिन जब दे रहा है तो उसमें कौन अब जिसको एक बार भाई साहब फ्री बिजली मिल गई चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो वो कभी पीछे नहीं रहता मुझे तो चाहिए फ्री सही बात अभी जैसे इन्होंने कहा है कि हमने एक ऐसी परिवर्तन लाया है ये जो बिजली योजना है ना कि ये आपके ऊपर है कि आपको बिजली फ्री चाहिए तो रीडिंग तो शीला दीक्षित भी दे रही थी हाँ शीला दीक्षित के टाइम ऐसा हो रहा था कि 200 यूनिट फ्री हैं हाँ। उससे ऊपर 1 रुपया बिल आता है तो आप वो वाला बिल दीजिए पिछले वाला बिल आपका माफ़ है और अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है कि 200 यूनिट आके ऊपर आ गया तो आपको पूर्ण जो पूरा बिल है वो भरना पड़ा है गवर्नमेंट कहीं से ना कहीं हमसे ही निकालती है गवर्नमेंट कोई अपने घर से नहीं देती हमसे ही निकाल रही है कहीं से ना कहीं से मैं बताऊँ आपको कोरोना में सारी दुकानें बंद थी बिल पूरा दिया लोगों ने उनका तो माफ़ नहीं किया दुकानों का कॉमर्शियल का और दूसरे बताऊं 2019 में जो बिजली के बिल आए थे क्योंकि 2020 में तो कोरोना था तो रीडिंग वाला तो आया नहीं जब रीडिंग गई तो इन्होंने 2019 के बिल भेजे हैं 2020 में मैंने खुद भुगते हैं अच्छा हाँ और अच्छा उसका फिर जब किराएदार यहाँ नहीं है तो बिल तो जीरो आएगा ही आएगा अब वो पैसा एडजस्टमेंट कहाँ हुआ 2019 वाला हुआ ही नहीं तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार MCT के चुनाव में कौन बाजी मार सकता है देखो हम तो यही चाहेंगे कि जो है भाई BJP ही आनी चाहिए क्योंकि इनमें वे सभी गुण हैं जो एक राष्ट्रवादी पार्टी में होने चाहिए और जो देखो जो है ना जो पुरुषार्थ करना सिखाए राष्ट्र को कुछ करके सिखाने की क्षमता रखे तो वही पार्टी अच्छी होती है जो है ये थोड़ा कि तुम आराम का फ्री का आदत डाल ले जो है परिवार में भी यदि जो है कोई अपने बच्चों को आराम का फ्री का खाना सिखाए तो वो जो है ना कुछ ही समय के लिए हो सकता है लेकिन वो भविष्य बहुत ख़राब होता है विनय चौहान जी और श्रीमता त्रिलोमिता चौधरी जी के यहाँ पे टक्कर है तो आप विनय चौहान जी अभी पूर्व पार्षद भी है तो आपके वार्ड में यहाँ पे विनय चौहान जी ने काम करवाया देखो जो कहा उन्होंने मना तो किया नहीं कभी और किया भी है करवाया भी MCT की गाड़ी भी भेजी है जो है कहीं भी कूड़ा उनको बोला हमने जो है तुरंत उन्होंने गाड़ी भेजी मना नहीं किया कभी भी और जो है जो उनका काम है लाइट का है वो लाइट के लिए भी हमने बोला एक दो बार वो भी उन्होंने कराया है कभी मना नहीं किया तो हमें तो और की अपेक्षा जो है मतलब श्रीमती त्रिलोमिता चौधरी जी आपको वार्ड में दिखती हैं नहीं कभी नहीं दिखी आज तक मतलब जो है जब से जो है वो उसमें थी जो है मतलब सत्ता में थी वो तो तब भी कभी जो है मतलब कुछ काम हुआ तो जो है ना आ गई नहीं तो कभी आती नहीं थी वो भी बाकी जो है वैसे तो हमने देखा ही नहीं उनको यहाँ कभी भी जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी ने कल ही बोला था कि MCD में BJP 15 साल से काम नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी को आपने 5 साल दिए और हमने इतने काम कर दिए आप MCD में हमें लाइए हम MCD का रुख बदल देंगे देखो जी जो है मुझे नहीं लगता कि वो जो है किसी भी तरह का दिल्ली में रुख बदलेंगे जो है वो केवल और केवल मैंने ये देखा है देखो मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ और जो है मैं तो एक जो है आम दुकानदार हूँ मैंने कभी जो है ऐसा नहीं देखा उनको कि हमें लगे कि जो है हाँ वे जो है कि एक एक राष्ट्र के विकास के लिए जो है जनता की भलाई के लिए काम कर रहे एक उनमें स्वार्थ नज़र आता है जो है स्वार्थ की भावना नज़र आती है और जो है एक जैसे कि जो है ना बस तुम सत्ता में रहेगे तो तुम्हारा नाम रोशन हो बस सत्ता में रह करके तुम्हारा नाम रोशन हो बस ये मैं देखता हूँ उनके दिल्ली में गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लेके जा रहे हैं गुजरात के लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आपका जो प्रदेश है जो आपका राज्य है हम दिल्ली जैसा बना देंगे क्या है दिल्ली मॉडल देखो दिल्ली में उन्होंने जो है ना स्कूल का तो मैं मानता हूँ कुछ काम किया है जो किया है उसको जो है नकारना नहीं चाहिए
पहले के मुकाबले जो है एमसीडी के स्कूल और वो जो है मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दिल्ली मॉडल जो है वो पेश करे। दिल्ली मॉडल तभी पेश किया जाएगा जब जो है जब गलियां तक ठीक नहीं है तो मॉडल कैसा। मॉडल तो वही तो होता है ना कि जो है पब्लिक को लगे कि हाँ भाई ये कुछ जो है इन्होंने कुछ ऐसा दिल्ली के जो है जो ज़मीन पर जो काम होना चाहिए वो किया हो। स्कूल के सिवा उन्होंने और कुछ नहीं किया जो है स्कूल में। तो मैंने कहा हमने बिजली फ्री करी है, देखो मैंने तो पहले ही बता दिया जो है जो फ्री का जो है आदत डाल रहा है ना पब्लिक को, तुम जो है रेट ठीक है कम करो वो समान रूप से रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है भाई 200 यूनिट तक का इतना, 400 यूनिट तक का जो है 200 यूनिट तक का फ्री। फ्री का तो मैं एकदम सख्त खिलाफ हूँ, फ्री का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो है, क्योंकि ये जो है हमारा ही नुकसान है, पब्लिक का ही नुकसान है, देश का नुकसान है। तो इस तरह का जो है मैं तो बिल्कुल एकदम खिलाफ हूँ, मेरा तो व्यक्तिगत विचार ये है। जैसे कि आपने देखा वार्ड नंबर 117 में नेक टू नेक टक्कर है आम आदमी पार्टी के श्रीमती त्रिलोकता चौधरी और विनय चौहान जी की कड़ी टक्कर है। आज आपने देखा वार्ड नंबर 117 की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 117 में फोनबाजी मारता है। कैमरामैन विशाल के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।